हेलो फ्रेंड्स, मैं मिसी शर्मा आज आपके सामने एक बहुत सुंदर और प्यारा सा डिजाइन लेके आई हूँ। ये बहुत छोटा और प्यारा है। ये दो फंदों का डिजाइन है। दो फंदे सीधे, तीन उल्टे का डिजाइन है। ये बहुत सुंदर और तिरछी तिरछी लाइनें ऐसे जाती हैं। ये जहाँ से शुरू हुई जहाँ ख़त्म होगी, आगे ये इधर ख़त्म हो जाएगी, इधर से नहीं शुरू होती जाएगी, इधर से ख़त्म होती जाएगी। आप इसको स्वेटर में, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में कहीं भी आप डाल सकती हो। देखने में भी ये बहुत सुंदर है और बहुत सॉफ्ट बनता है। ये मैंने इतना शुरू किया है, जैसे ही मैंने जहाँ से स्टार्ट किया है, आप ऊपर की लाइन भी वही है। इधर से स्टार्ट करके आपको ये डिजाइन बनाना मैं बताती हूँ। ये देखो, ये पहला फंदा मेरा मोड़े उतारा, तीन फंदे हमारे उल्टे आ गए। एक, दो और ये तीन। ये दो फंदे हमारे सीधे, ये दो फंदे हमारे सीधे आ गए। धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे, एक, दो, तीन, पीछे किया दो सीधे, धागा अपनी तरफ किया दो उल्टे, तीन उल्टे, दो सीधे, तीन उल्टे, तीन उल्टे, दो सीधे, तीन उल्टे, दो, तीन, दो सीधे, तीन उल्टे, एक, दो और तीन, दो सीधे, तीन उल्टे, एक, दो और तीन, दो सीधे, लास्ट में हमारा एक उल्टा आ गया और एक हमारा एच खींचा वो सीधा आएगा। पहला फंदा हमने मेरा मोड़े उतारा, एक उल्टा, एक सीधा, तीन उल्टे, दो सीधे, ये दो सीधे, दो सीधे, तीन उल्टे आएंगे। सीधे आएंगे, सॉरी, दो उल्टे, ये उल्टी सिलाई है सही, तीन सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, तीन उल्टे, तीन सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो सीधे,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਤਾਣਾ ਜੋ ਤੀਨ ਉਲਟੇ ਦੇ ਆਪ ਦੋ ਉਲਟੇ ਆਏਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹ ਜੇ ਦੋ ਸੀਧੇ ਦੇ ਆਪ ਜੋ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਹੈ ਇਸਕੋ ਹਮਨੇ ਪੀਛੇ ਸੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਧੇ ਹੋ ਆਗੇ ਸੇ ਲਾ ਕੇ ਪੀਛੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਅਬ ਤੀਨ ਸੀਧੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਔਰ ਜੇ ਵਾਲਾ ਸੀਧਾ ਹੈ ਅਬ ਇਸਕੋ ਵੀ ਹਮਨੇ ਪੀਛੇ ਸੇ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਫੰਦਾ ਜੋ ਥਾ ਉਹ ਆਗੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸਕੋ ਪੀਛੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਬੀਚ ਮੇਂ ਚਾਰ ਸੀਧੇ ਹੋਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਉਲਟਾ ਫੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਨ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਹਮਾਰਾ ਉਲਟਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਅੱਗੇ ਪੀਛੇ ਕੀਆ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਕੀਆ ਜੇ ਦੋ ਸੀਧੇ ਥੇ ਸੀਧੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਇੱਕ ਕੋ ਆਗੇ ਲੈ ਆਏ ਅਗਲੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸੀਧੇ ਬੁਣੇ ਔਰ ਜੇ ਸੀਧੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹਮਨੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਲੈ ਆਏ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਚਾਰ ਸੀਧੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਚਾਰ ਸੀਧੇ ਔਰ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੀਧੇ ਥੇ ਹਮਨੇ ਬਣਾਏ ਇਸਕੋ ਹਮਨੇ ਜੇ ਸੀਧੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਉਲਟਾ ਪੀਛੇ ਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀਧੇ ਵਾਲਾ ਆਗੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਐਸੇ ਜੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਇਸਕੋ ਵੀ ਸੀਧਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪ ਜੋ ਜੇ ਵਾਲਾ ਸੀਧਾ ਹੈ ਪੀਛੇ ਉਲਟਾ ਹੈ ਉਲਟੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੀਧੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪੀਛੇ ਸੇ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਬਾ ਦੋ ਕੀ ਤੀਨ ਚਾਰ ਸੀਧੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਦੋ ਸੀਧੇ ਹੈ ਜੇ ਉਲਟਾ ਥਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਉਲਟੇ ਕੋ ਪੀਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਧਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਚਾਰ ਸੀਧੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ ਸੀਧੇ ਕੋ ਪੀਛੇ ਸੇ ਪੀਛੇ ਕੀਆ ਔਰ ਉਲਟੇ ਕੋ ਆਗੇ ਲਾਏ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਬੀਚ ਮੇਂ ਚਾਰ ਫੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਧੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮਾਰੀ ਫਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰ ਜਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਸੀਧੇ ਥੇ ਵਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰ ਸੀਧੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਤੀਨ ਉਲਟੇ ਥੇ ਤੀਨ ਕਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਇਸ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪ ਪੀਛੇ ਸੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਚਾਰ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਔਰ ਇਸਕੋ ਹਮਨੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਦਸੇ ਫਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆਮ ਹਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲੇ ਉਤਾਰਾ ਔਰ ਆਮ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਚਾਰ ਸੀਧੇ ਥੇ ਚਾਰ ਉਲਟੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਦੋ ਤੀਨ ਚਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਸੀਧਾ ਬੁਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤੀਨ ਚਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਧਾ ਚਾਰ ਉਲਟੇ ਚਾਰ ਉਲਟੇ
एक सीधा, चार उल्टे, एक सीधा, चार उल्टे, एक सीधा, चार उल्टे, एक सीधा, चार उल्टे और एक सीधा। ये हम दो सीधे हो गए, दो सीधे और लास्ट वाला सीधा। अब हमने पहला फंदा बिना बुरे उतारा, फिर हमारे पास दो सीधे। अब हमारे पास इधर से शुरू से चार सीधे हो जाएंगे, चार सीधे और ये दो फिर सीधे, तीन उल्टे, आगे सारे तीन। इधर से जब हमने देखना है हमारे पास छह फंदे सीधे हो गए तो दोबारा से फली हमने शुरू कर लेनी है। तीन उल्टे सीधे आगे से, दो फंदे सीधे, जैसे जहाँ उल्टे आ जाएंगे पहले तीन उल्टे डाल के दो सीधे आ जाएंगे। इस हिसाब से हमने फली शुरू करनी है दोबारा। ये हम बीच में हमारे फिर तीन, बीच वाले तीन के तीन ही उल्टे रहने हैं। ये देखो तीन, दो सीधे, तीन उल्टे, दो सीधे, दो सीधे, तीन उल्टे, दो सीधे, तीन उल्टे, दो सीधे, दो, तीन, लास्ट में दो सीधे और ये लास्ट वाला भी हमने सीधा ही बुनना है। अब हमारी उल्टी सिलाई आ गई, ये दो सीधे उल्टे और तीन उल्टे, एक, दो, तीन, दो सीधे, तीन उल्टे, एक, दो, तीन, दो, तीन उल्टे, एक, दो, तीन, दो सीधे, दो, तीन, दो सीधे, एक, दो, तीन, इधर से फली था शाम। जब देखना इधर से फली के हो गए, तीन उल्टे और दो सीधे आ गए, तो इधर से हमने दोबारा से फली शुरू कर लेनी है। ये देखो अब आ गए, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दो, तीन, तीन फंदे हमारे उल्टे आ गए। अब जो चौथा था ये हमने उल्टाना, इसके अंदर फुलाना है। ये देखो ये सीधा फंदा हमारे पास दो के तीन हो गए, तीनों दो सीधे। अब पिछला फंदा भी आगे लाना है बीच में, ये
देखो अब हमारे पास बीच में चार हो गए और एक फंदा उल्टा हो गया। ये देखो हमारे पास ये तीन फंदे हैं, एक फंदा इधर से हमने अंदर लाना, एक फंदा आगे से अंदर लाना, ये बीच दोनों में से बीच में चार फंदे हो जाएंगे। ये देखो ये दो सीधे हैं, अब इसको हमने पीछे से अंदर ले आना उल्टे वाले को, ये तीन का एक रह गया और दो के हमारे पास चार हो गए, एक दो, अब इसको पीछे से लाना है। ये देखो ये चार सीधे एक उल्टा, फिर हमारे पास ये देखो एक दो, पीछे वाला आगे, ये चार हो गए, एक सीधा लग पीछे किया, फिर इसको हमने आगे वाला पीछे दो सीधे और ये पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, ये भी हमने सीधे ही बुनने हैं। एक उल्टा धागा पीछे किया, इसको फिर हमने दो पीछे वाला आगे किया, दो एक उल्टा धागा पीछे किया, चार हो गए, एक सीधा। अब इधर से हमारी फली ख़त्म होनी है, हमने एक ही पहला फंदा ही करना है आगे पीछे, पिछले वाला नहीं करना, क्योंकि धीरे धीरे अगली सिलाई में ये भी ख़त्म हो जाए, फिर हमारे इधर उल्टे ही फंदे आएंगे। ये देखो दो हो गए, अब इसको हमने एक को उल्टा बुन के पीछे से सीधा, अब हमारी उल्टी सिलाई आ गई। पहला फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा सीधा बुना, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन ये सीधा, तीन उल्टे, दो तीन चार उल्टे, सॉरी दो सीधे एक सीधा, चार उल्टे एक सीधा, एक दो तीन एक सीधा, चार उल्टे एक सीधा, चार उल्टे उल्टी सिलाई में एक बार दो सीधे तीन उल्टे आएंगे और एक सिलाई में चार सीधे और एक उल्टा आएगा, एक दो तीन, ये लास्ट वाला सीधा। ये देखो कितना सुंदर और प्यारा डिजाइन बना है, ये बहुत सुंदर बन के बहुत सुंदर लगता है। ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये